आज हम बनाएंगे मसाला गोभी। तो ये बनाने में आसान होती है, जल्दी बन जाती है, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गोभी, टमाटर, हरी मिर्च। तो अब हम गोभी को धोकर काट लेते हैं। इस तरह से काट लें, इस तरह से हमने ये काट ली है। ये ऊपर का निकाल देंगे और देख लेंगे कोई कीड़ा ना हो, गोभी में कीड़े होते हैं, तो अच्छी तरह से देख लें और इस तरह से एक एक फूल को निकाल लें और इस तरह से ऊपर से काटें और इस तरह से ये तो खुल जाता है ऐसे ही, ज़्यादा छोटे पीस ना करें। इस तरह से हमने सारे पीस कर लिए हैं। हरी मिर्च को भी काट लें, टमाटर को छोटे छोटे पीसीज में काट लें इस तरह से, ये हमने काट लिए हैं। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, इसमें जीरा डालें आधा चम्मच, आधा चम्मच राई डालें, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच धनिया डालकर इस मसाले को भून लें। अच्छी तरह से भून जाए और इसमें खटाई भी डाल दें आधा चम्मच, और थोड़ा सा पानी डाल दें, स्लो गैस रखें और इसे हल्का सा भुनने दें। अब ये भुन गया है, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च पानी डालने से पहले भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये भुन गए, फिर हम इसमें गोभी डाल देंगे। ये हमने गोभी डाल दी है, इसे चला दें जिससे कि सारे मसाले में ये मिक्स हो जाएं। फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे, इस तरह से इसे चला दें अच्छी तरह से, सारा मिक्स हो जाएगा। और इसे ढक दें, इसमें पानी ना डालें, बस जो मसाले में डाला है वो ही है। और 15 से 16 मिनट के लिए इसे स्लो गैस पर रखें। देखो इसने पानी छोड़ दिया है, क्योंकि हमने गोभी धोई थी उसमें भी पानी था, टमाटर का भी पानी है, तो ये इस तरह से हो गई है। और ये जो इसमें पानी है इसको हम तेज़ गैस कर देंगे, जिससे कि ये जो पानी है एक्स्ट्रा ये सब जल जाए, ये सारा पानी जल जाएगा इस तरह से। और इसमें हम मसाला डाल देंगे, आप किचन किंग भी डाल सकते हैं, छोले मसाला भी डाल सकते हैं, कोई भी मसाला डाल दें। और फिर धनिया डालकर इस तरह से चलाएं, ये मसाला गोभी तैयार है। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आपको अच्छी लगे तो आप भी बनाएं।